असल मैं रिज्वान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ न्यू सिटी पैराडाइज आज के इस वीडियो में न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से जो आपको चंद चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा नंबर वन वट इज़ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एट द साइट एज ऑफ थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2023 ये तो वैसे इन जनरल आप वीडियो में सारा देख लेंगे लेकिन जो सबसे कलीदी चार पॉइंट हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को इन चीज़ों पर रिसर्च करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट वो चार पॉइंट कौन से हैं नंबर वन कि वट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अब नंबर टू हु इज़ द डिवेलपर स्लैश ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर थ्री वट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नंबर फोर कि वट आर द प्राइस बिंग ऑफर्ड इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ये चार पॉइंट्स अगर आप इन चार पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं इन पर रिसर्च करते हैं तो मैं इस बात का दावा करने के लिए तैयार हूँ कभी आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर पार्क नहीं हो सकती और आपको कभी भी रियल स्टेट में लॉस नहीं हो सकता तो ये चार पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड सबसे पहले बात करते हैं न्यू सिटी पैराडाइज की लोकेशन के हवाले से अगर आप डाउन टाउन इस्लाम जीरो पॉइंट से देखें तो अराउंड फिफ्टी

तमाम चीज़ों के बगैर ये लोकेशन इतहाई सेफ़ और सिक्योर लोकेशन बनती है वो वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा अब इससे पहले न्यू सिटी पैराडाइज की अगर बात करें तो इसका जो प्रीवियस अब जो दूसरा पॉइंट बनता है मेन कलीदी इंपॉर्टेंट पॉइंट के हु इज़ द ऑनर स्लैश डेवलपर ऑफ़ द प्रोजेक्ट यानी कि इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप किसके पास है यानी आप जो पैसे लगाएंगे वो मेरे थ्रू हूँ या किसी के थ्रू भी हूँ आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपके पैसे जाएँगे किसकी जेब में जो से मेन कंसर्न होना चाहिए वहां के पैसे जाएंगे वो जाएंगे न्यू सिटी फेज़ वन के डिवेलपर्स के पास जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है जिसका नाम है न्यू सिटी फेज वन जहां पे एवरेज आप आज आपको दस हजार से पंद्रह हजार घरों के दरमियान कंस्ट्रक्टेड घर या रहती हुई नज़र आती हैं हैं ये फिजिकली विटनेस आप कर सकते ब्रह्मा इंटरचेंज से आप जैसे राइट साइड की तरफ ट्रेवल करेंगे तो सबसे पहला हार्डली सौ मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर आपको न्यू सिटी फेज वन की गेट मिल जाएगा अब न्यू सिटी फेज वन एक और लिहाज से मशहूर है कि अगर आप जीरो पॉइंट से देखें पिशावर टॉल प्लाजा तक तो एक ही जो मॉल है जो तमाम एम वन मोटर पर जो लोग विटनेस

लें के साथ है बिल्कुल एडजस्ट मोटरवे है यानी मोटरवे से एडजस्ट लैंड प्रिक्योरमेंट की और लैंड प्रिक्योरमेंट करने के बाद डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पर काम का काज हुआ और प्रिक्योरमेंट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड पिक्योरमेंट की गई डेवलपमेंट स्टार्ट की गई एन लिया गया और देन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह बनती है कि हर लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फिजिबल बनता है अब यह डेवलपर्स स्लैश ओनर्स की मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ओनर्स की ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रीवियसली बहुत बड़ी हिस्ट्री है यानी कि आपके पैसे जो हैं वो इंथाई सेफ जगह पर पार्क हो रहे हैं आपको इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी जगह पर कर रहे हैं तो सेफ्टी का पॉइंट सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल का सबसे पहले प्रायोरिटी पर होता है तो उस पॉइंट से देखें तो बहुत ही सेफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनता है क्योंकि के डेवलपर्स जो हैं उनकी पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री बहुत ज्यादा साफ और क्रेडिबिलिटी है इसलिए इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं इज द द लीगल स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि, कि किसी भी बंद के पास सौ डेढ़ सौ किनाल दो सौ किनाल जमीन होती है वो सिंपली एक छोटा सा गेट लगाते हैं गेट भी लगाने तो गारा नहीं करते वहाँ साइड पर छोटा सा कंटेनर रखते हैं और साइड कहते हैं जी ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं अब प्रोजेक्ट की जब फाइलें सेल होती हैं फाइलों से जो पैसा आता है और पैसा आने के बाद फिर आप उस पैसे से लैंड बाय करते हैं उससे आगे फिर एन बाय करते हैं एन बाय करते हैं या अप्लाई करते हैं वो डिस्कशन में जाते हैं वो डिबेट सेपरेट डिबेट है तो उसके बाद वो तो प्रोजेक्ट की कोई बर्थ बनती है अब इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कि लॉन्चिंग से पहले यानी लॉन्चिंग से पहले लैंड फिजिकली विटनेस करके डीलर्स को दिखाई गई सेल्स पार्टनर को कि यार ये लैंड हमारी मौजूद है हम इस जगह प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं नंबर वन नंबर टू उस प्रोजेक्ट का पहले लीगल तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई यानी उसका लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे लट से जी दस हजार कनाल पर दस हज़ार कनाल का प्रॉपरली आप पहले मैप पहले लैंड की पूरी आप जी निकालते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़ जियो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़ के बाद आप उस लैंड का प्रॉपर्ली लेआउट प्लान तैयार करते हैं कि येस एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट हम इस प्रोजेक्ट में इतने कमर्शियल इतने रेजिडेंशियल इतने फीट वाइड मेन बुलेवर्ड इतने पार्क्स, इतनी इम्यूनिटीज यहाँ पे मॉस्क यहाँ पे स्कूल यहां पे हर चीज रखी जाएगी तमाम चीजों का एक मैप बनाया जाता है और मैप बनाने के बाद उस मैप को पुट किया जाता है उस रेलिवेंट अथॉरिटी के सामने जिसके सामने एन ओ सी ले रहे हैं इन सम केसेज सी डी ए इन सम केसेज आर डी ए इन सम केसेज टीएम अब इस केस में होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से वो जब मैप आप अप्रूव मैप भेजते हैं तो उस पर प्रॉपरली दोबारा उसकी मैप की स्क्रूटनी होती है स्क्रूटनी के बाद मैप का लेआउट प्लान अप्रूव हो जाता है लेआउट प्लान अप्रूव होने के बाद उस प्रोजेक्ट को फॉर्मली जो है एन ओ सी इशू किया जाता है जिसका नाम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी गवर्नमेंट को इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ने तमाम गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया तो इसलिए इस प्रोजेक्ट की तमाम जो लाइबिलिटीज वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है एन का मतलब ये होता है इस्लामाबाद पिंडी के डोमेन में आप आ जाए तो आपको हार्डली को दस पंद्रह प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनका एन होगा अदरवाइज इस टाइम ढाई तीन सौ चार सौ सोसाइटीज जितनी बिक्री हैं किसी के पास एन मौजूद नहीं है तो पहला प्रोजेक्ट मैंने आपको पहले पॉइंट एक्सप्लेन किया था वो था इसकी लोकेशन क्या लोकेशन इसी काम वाक्य है कि लोकेशन के, के दरमिया से ही आपको हरो रिवर गुजरता हुआ नजर आ रहा है इंटरचे के साथ है जी रोड के ऊपर फ्रंट है तो लोकेशन के तीन पॉइंट सबसे अच्छे ये

कि साइट पे प्रॉपर्ली मशीनरी मूव करने से पहले साइट का लेआउट प्लान बना के उसका प्रॉपर्ली एनओसी ओसी प्रक्योर किया गया और फिर साइट को ओपन किया गया ये हो गया थर्ड पॉइंट अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के वाट आर द प्राइसेस बीइंग ऑफर्ड अब प्राइसेस के हाले से मैं डिफरेंट एक पूरी लिस्ट है तो बेहतर आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले प्राइस के हाले से आपको डिटेल से बता दूंगा इस वीडियो में चूंकि मैं बाकी पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं अब देखिए प्राइस इस प्रोजेक्ट की इंतहाई फीजिबल है मैं इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर दूं कि इसमें जो प्राइस ऑफर की जा रही हैं वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं यानी कि आमतौर पर होता यह है कि सोसाइटी

चार्जेज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जैसे कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड ये वाले ऐड क्याटेकर, में में हो जाएंगे प्लॉट है इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किन लोगों के लिए प्रोजेक्ट जो है वो, किस ऑडियंस के लिए प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा फीजेबल है अब मैं बिल्कुल ओपन आपको ब्लैक एंड वाइट में चीजें एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अगर आप इस्लाम के अंदर रह रहे हैं तो कोई इंडिविजुअल नहीं चाहेगा इस्लामा से निकल के जाकर यहाँ पे प्लॉट ले और प्लॉट पर घर बनाए अगर आप लिविंग पॉइंट से देख रहे हैं इसमें मैं दो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा लिविंग और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब उससे देखें तो कोई यहाँ से नहीं जाएगा या कि मैं इस्लाम से निकलू और इस्लामबाद से निकल के जाके मैं फिफ्टी किलोमीटर दूर जाकर अपना घर बना लूं ऐसा नहीं होगा आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिस लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था के की बेल्ट उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो अटक टेक्सला हसन अब्दाल जो ये वाला एरिया बनता है और केपी के में अगर देखें तो पिशावर और पिशावर के साथ साथ जो गिर्दो का एरिया बनता है जैसे सवाबी बनता है मरदान बनता है नौशहरा बनता है अब टाबाद बनता है ये जो प्रेमिस के लोग होंगे इन टेरिटरीज के लोग होंगे उनके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे फीजिबल है यानी इस्लाम डाउन टाउन से हार्डली आधे घंटे की ड्राइव या पच्चीस मिनट की ड्राइव पर बैठे हुए हैं न्यू इस्लाबाद एयरपोर्ट से आप तकरीबन ट्वेंटी मिनट्स या फिफ्टी मिनट्स की ड्राइव पे तो फिजिबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा पॉइंट बनता है क्योंकि आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर भी एक्सेस है यानी आप उस तरफ जाना चाहें यानी कि अगर आप जाना चाहें या आप इस तरफ अटक वाली साइड पर आना चाहें वाक आना चाहें उस तरफ भी एक्सेस है यानी रोड रोड ग्रैंड ट्रंक और दूसरी तरफ आपको एम वन मोटरवे लाहौर पिशावर मोटरवे जो है यानी कि आप पिशा से लाहौर अगर जा रहे हैं तो उस मोटरवे भी आपकी एक्सेस बनती है पिशावर से इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे एक्सेस प्रॉपर बनती है तो ये तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप इन इन मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी अच्छी बनती है अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखिए न्यू सिटी का जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वहां पर इनिशियल लॉन्च डेट देख लें और आज के प्राइस जब फर्क लगा लें तो आपको तकरीबन थाउजेंड परसेंट का फर्क नजर आता है यानी थाउजेंड परसेंट से मुद्दा था कि जिस बंदे ने वहां पर दस लाख इन्वेस्ट किया आज उसकी इन्वेस्टमेंट पर एटलीस्ट साठ सत्तर लाख अस्सी लाख रुपये का गेन आया है तो उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो थाउजेंड परसेंट मिला है और ये टाइम जो है रख लें लट से जी एट ईयस और टेन ईयर्स यानी पर ईयर आपको हंड्रेड परसेंट का रिटर्न एंड वेस्टमेंट मिला है ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है अब जो साइट आपको प्रॉपरली गेट नजर आ रहा है ये प्रॉपर्ली साइट पे इस वक्त एज और टू स्टार्ट हो चुकी है ये न्यू सिटी पैराडाइज की साइट है फिजिकली आपको नजर आता है थर्ड इसकी लैंडस्केप देख लें जो नेबर हुड है इसकी यानी साइड के अंदर से दरिया भी गुजरता है सामने पहाड़ों का व्यू भी है मोटरवे भी है और आपको ग्रैंड ट्रंक रोड भी मिलती है तो वो चीज़ें इस प्रोजेक्ट को प्रोमिनेंट बनाती हैं कि फ्यूचर में जाके इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने के पे चांसेस हैं क्योंकि इससे पहले पहले मैंने जिक्र कर दिया था वीडियो में कि आप अगर इस्लाबाद से से निकल के पिशावर तक जाती हैं तो आपको मोटरवे एक्सेस के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नजर नहीं आता मां सिवाय न्यू सिटी वाकेंट के और प्रोजेक्ट जो पहले जो सेपरेट है इससे दैट इज वो मेन एम मोटरवे मोटरवे एक्सेस रखते हैं थर्ड इज दिस प्रोजेक्ट इससे पहले अगर हम एम वन पे एक्सेस देखें प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट है एडब्ल्यू टी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट उस प्रोजेक्ट की ऐसे कोई मार्केट बर्थ नहीं है ना इतनी कोई रीसेल परचेज है इसकी दूसरा जो प्रोजेक्ट बनता है वो बनता है इनका इंटरचेंज ऑफिशियली गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरचेंज नहीं है बट चूंकि इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं है कि आप जिस वक्त चाहें इंटरचेंज बिचार सकते हैं जस्ट लाइक द कॉमन पीपल तो इसलिए ये एडवांटेज बनता है पहले इस एम वन मोटरवे पे न्यू सिटी वाकंड के रेजिडेंट के पास था अब ये जो एडवांटेज होगा वो मूव हो जाएगा न्यू सिटी पैराडाइज के रेजिडेंट के पास कि फ्यूचर पॉइंट से देखें एक सोसाइटी हो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपके ट्वेंटी मिनट या फिफ्टी मिनट की ड्राइव पे हो मैं आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डायरेक्टली साइट की फोटेज प्रॉपरली कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा बाद में कि साइट किस तरह की बनती है तो वहां से आपको ट्वेंटी मिनट के ड्राइव पर बैठे हैं और आप प्लॉट जो खरीद रहे हैं वो वन पॉइंट एट मिलियन रुपीज़ का पांचवाला का प्लाट है तो अठारह लाख का पांचवाला का प्लाट हो तो आपका रेट जो बनता है अगर आप कैलकुलेट करें ये मैं बात करूँगा अठारह लाख का प्लाट अठारह साढ़े अठारह लाख का जो प्लॉट की वर्थ बनती है उसका डिवाइड करें तक साढ़े तीन लाख से तीन लाख साठ हजार पर मरला रेट बनता है आपका जो बहुत नॉमिनल है ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार डेवलपमेंट चार्जेस डेवलपमेंट चार्जेस बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान में आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये चीज नजर नहीं आती कोई भी सोसाइटी लॉन्च करती है डेफिनेटली मेंबर्स से पैसे इकट्ठे करने के डिफरेंट तरीके होते हैं तो इस सोसाइटी ने यह चीज खत्म कर दी कि हम को बाद में किसी तरीके से परेशान ना करें पहले ही उनसे बैठ के ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें भाई कि हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे अब ये आपको जितनी भी बारह तेरह मिनट की वीडियो या पंद्रह मिनट की वीडियो है आपको जितनी भी इस साइट पर डेवलपमेंट नजर आ रही है ये थर्ड वीक ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी के आपको साइट पर जितनी ब्राउनिंग नजर आई है ये लास्ट फोर वीक्स की ब्राउनिंग है यानी फोर वीक्स के अंदर साइट पर आपके सामने इस वक्त चीजें हैं कि साइट पर डिवेलमेंट का स्टेटस क्या है कि आप फिजिकली साइट पर जाते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है कि यार साइट पर इतनी अच्छी इतनी मैसे डेवलपमेंट हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन के लिए जो करते हैं, पिशावर में में सवाबी में अटक में कामरा में वाक एंड में और इसके अलावा रिजाइड करते हैं हसन अब्दाल में और आप कह लें कहेंबाद में उन मैंबर्स के लिए इस्लाबाद सेंटर से नज़दीक रीण होने का सबसे आसान मौका है इस्लाबाद अगर डाउन टाउन के बिल्कुल करीब आते हैं तो आपको डाउन टाउन इस्लाम जीरो पॉइंट के आसपास के प्रेमिस में करोड़ से सवा करोड़ पर मरला रेट मिलता है यहां पे आपको जो पांच महल का प्लॉट है वो अठारह लाख का मिल रहा है साढ़े तीन लाख तीन लाख साठ हजार पर मरला जो कि जरूरत से ज्यादा नॉमिनल कॉस्ट है आपकी परचेजिंग के लिहाज से सो दिस इट फ्रॉम डे अगर आपको न्यू सिटी पैराडाइज में बुकिंग के बारे कुछ होलूत चाहिए हो, तो नंबर पर रबा करें इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़